जो एक समय में टूटो लोग को ट्रेडिशनल जो टूटो होता है वो मेरे ग्रैंडफादर भी था, मेरे फादर भी था, लेकिन 76 से 77 में वो इलेक्शन हो गया। भूटान की सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल का एक इलाका है टोडो पाड़ा। यहाँ एक आदिम जनजाति रहती है जिसकी पूरी दुनिया में केवल 1600 आबादी है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखना है। इस काम में 60 साल के धनीराम टोडो जी जान से लगे हुए हैं। वे साल 2005 से ही टोडो भाषा पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा से जुड़ी रहें, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। लेकिन धनीराम के बीच ऐसे पेरेंट्स की बड़ी संख्या है जो अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में फैमिली मेंबर आपसी बातचीत में अंग्रेजी या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मॉडर्न लाइफस्टाइल और रोजगार का सीधा संबंध है। इन मायनों में इंग्लिश और हिंदी अन्य भाषाओं पर भारी पड़ जाती है। यहाँ तक कि कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में बात करने की सख्त मनाही है। इसके बीच लोगों को ये धारणा भी है कि एक से अधिक भाषा बोलने से बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है। इसका भी सबसे अधिक नुकसान मातृभाषा या बोली को उठाना पड़ता है और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। हालांकि इसके उलट जानकारों का ये कहना है कि यदि बच्चे एक से अधिक भाषा सीखते हैं तो उनका दिमागी विकास तेजी से होता है। भाषा विज्ञानी गणेश नारायण देवी की माने तो साल 1961 के बाद से 220 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। और यही नहीं, आने वाले 50 वर्षों में 150 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। इस संकट को देखते हुए नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार CBSE ने इंग्लिश और हिंदी के साथ 22 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए किताबों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि ये पहल तब तक सफल नहीं होगी जब तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। साथ ही इस मानसिकता को भी खत्म किया जाए कि अगर कोई अपनी मातृभाषा में बोलता है तो वो पिछड़ा हुआ है। इसका एक सफल उदाहरण ये है कि साल 2023 में जब बोडो भाषा को संवैधानिक भाषा घोषित किया गया तब बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने बोडो मीडियम में अपने बच्चों का एडमिशन कराया, लेकिन कुछ समय बाद ही इंग्लिश, असमिया और हिंदी के असर के सामने बोडो मीडियम स्कूल ने अपना दम तोड़ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि CBSE की इस व्यापक पहल का असर जमीन पर दिखे और बच्चों के सहारे दम तोड़ती हुई भाषाओं को बचाया जा सके।